आपका स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के सिलेबस के बारे में। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो सिलेबस हमारा है क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स कितने नंबर का पूछता है, कितना क्वेश्चन रहता है, ये सारा चीज़ बताते हैं हम बारी बारी से। तो फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 गो रहता है और इसका टोटल मार्क मैंने टोटल अंक 150 का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। दोस्तों, केमिस्ट्री 30 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है, टोटल 30 को क्वेश्चन रहेगा और इसका भी टोटल अंक 150 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का। मैथमेटिक्स में भी वही है, 30 क्वेश्चन 150 अंक, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा और 450 अंक का, 90 × 5 = 450। तो देख चुके हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क कितना रहेगा। 150 का 3 पार्ट में बटा गया है, 90 क्वेश्चन एंड अंक 450, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सबसे बहुत बड़ी फायदा वाली है कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। झारखंड का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में निगेटिव मार्किंग होती है 1/4, और बिहार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप लोग जान चुके हैं कि कितना नंबर क्वेश्चन पूछता है और कितने अंक का होता है। तो दोस्तों, हम लोग आज फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स लेके आए हूँ, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को एंड दोस्तों को साथ शेयर कर दें। द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अपने चैनल, पहला पार्ट 1 में फिजिक्स, फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर मेजरमेंट में। मेजरमेंट मीन्स मापन। तो मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मापन किसे कहते हैं? तो मापन एक ऐसी विधि है जिससे किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के माध्यम से मापा जाता है। जैसे सेकंड को, समय को सेकंड के द्वारा मापा जाता है, लंबाई को मीटर के द्वारा मापा जाता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट हुआ, इसके माध्यम से मापा जाता है, उसी को मापन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, ये डिफिनेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, इसका एक नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है कि मापन किसे कहते हैं। तो मापन एक ऐसी विधि है जिससे किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को एक मानक राशि के द्वारा मापा जाता है, उसे मापन कहते हैं। अब मात्रक, मात्रक यूनिट, यूनिट क्या है? तो भौतिक राशियां का अध्ययन करने के लिए उसकी माप तौल की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को अध्ययन करने के लिए उसकी माप तौल की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक निश्चित राशि का परिमाणिक स्टैंडर्ड मान दिया जाता है, इसी को परिमाणिक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे कपड़ा को मापने के लिए लंबाई की आवश्यकता होती है, सॉरी, कपड़ा की लंबाई को मीटर के द्वारा मापा जाता है, दूध को लीटर के द्वारा मापा जाता है। इस तरह एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया गया है, उसी के माध्यम से मापा जाता है। तो मात्रक के 3 पद्धति होते हैं, कौन कौन होते हैं? पहला CGS सिस्टम, दूसरा MKS सिस्टम और तीसरा SI सिस्टम। तो बारी बारी से पढ़ते हैं, CGS सिस्टम क्या है, MKS सिस्टम क्या है, SI यूनिट क्या है। तो CGS सिस्टम मीन्स क्या होता है? C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। इन्हीं के आधार पर अन्य राशियां के मात्रक को प्राप्त करते हैं। दूसरा
एमकेएस सिस्टम, एमकेएस मींस क्या होता है, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। तो इस पद्धति में लंबाई द्रव्यमान तथा समय का मात्रा क्रमशः मीटर किलोग्राम और सेकेंड है। ऐसा या इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हम लोग अब इसी एसआई पद्धति का ही उपयोग करते हैं। यह एमकेएस सिस्टम का ही विकसित रूप है। तो एसआई सिस्टम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, और इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि एसआई यूनिट क्या है, और एसआई के 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तो ये 7 मूल मात्रक होते हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन एराइज भी हो जाता है कि ऐसे के कितने मूल मात्रक होते हैं, तो आप लोग 7 पे टिक आउट कर सकते हैं। तो 7 कौन कौन मूल मात्रक है ये हम अब देखते हैं। तो ऐसे के 7 मूल मात्रक आ चुका है स्क्रीन पे। तो सबसे पहले क्या है, भौतिक राशियाँ, उसके बाद मात्रक, उसके बाद संकेत, तीनों पढ़ना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, हमेशा एक दो क्वेश्चन इससे एराइज कर सकती है। तो भौतिक राशियाँ कौन कौन है, 7, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और इसका एसआई मात्रक दिया गया है, एसआई यूनिट दिया गया है, और उसका संकेत दिया गया है। तो देखते हैं, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, जिससे एसआई मात्रक क्या है, मीटर, और इसका संकेत क्या है, एम। द्रव्यमान मीन्स मास, द्रव्यमान मीन्स मास होता है, और इसका एसआई यूनिट हो जाता है किलोग्राम, इसका संकेत केजी। समय को टाइम बोलते हैं, और इसका एसआई मात्रक हो गया सेकेंड, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एस से करते हैं। ताप मीन्स टेम्परेचर को एसआई मात्रक केल्विन, और केल्विन को संकेत क्या है, के। नेक्स्ट है विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करेंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ज्योति तीव्रता मीन्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला, और कैंडेला का संकेत क्या हो जाएगा, सी डी। पदार्थ की मात्रा मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मोल, और मोल को संकेत सिंबल क्या हो जाएगा, MOL। तो ये 7 एसआई के मूल मात्रक होते हैं, इसको बहुत अच्छे तरह से ध्यान में रखिएगा, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा। अब आते हैं एसआई के 2 संपूरक मूल मात्रक पे। तो कौन कौन होते हैं 2 एसआई के संपूरक मूल मात्रक, देखते हैं। फर्स्ट समतल कोण मीन्स प्लेन एंगल, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, रेडियन, इसको डिनोट करते हैं RAD से। सेकंड आ जाता है ठोस कोण मीन्स सॉलिड एंगल, इसका एसआई यूनिट हो जाता है एस्टे रेडियन, और इसको संकेत क्या है, SR मीन्स सिंबल क्या है, SR। तो हम लोग एसआई के मूल मात्रक 7 पढ़ लिए हैं, और एसआई के 2 संपूरक मूल मात्रक पढ़ लिए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, तो ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ महत्वपूर्ण विभिन्न पद्धतियाँ मात्रक मीन्स यूनिट ऑफ सम इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज इन डिफरेंट सिस्टम। तो भौतिक राशियाँ दिया गया है एक तरफ एसआई यूनिट दिया गया है, मात्रक का नाम दिया गया है, जैसे क्षेत्रफल मीन्स एरिया, तो एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब, बेग मीन्स वेलोसिटी, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, एम इसको मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर सेकंड -1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। त्वरण एक्सेलरेशन, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे। डेंसिटी मीन्स घनत्व, केजी पर मीटर क्यू इसका हो जाएगा। संवेग मैंने मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकेंड। अवेग मीन्स इम्पल्स, इसका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। फोर्स मीन्स बल का हो जाएगा केजी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन। केजी मीटर पर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो बल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। चाल मीन्स स्पीड, तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। कार्य या ऊर्जा मीन्स वर्क और एनर्जी, तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। कार्य का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। शक्ति मीन्स पावर, और पावर का ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड, और इसको हम लोग बोलते हैं वाट। जूल पर सेकंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं। दबाव या प्रतिबल मीन्स प्रेशर या स्ट्रेन, स्ट्रेन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और लास्ट है दोस्तों प्रत्यास्था गुणांक मीन्स ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें सबसे ज़्यादा VVI एग्जाम व्यू से आपका पूछ सकता है कि बल का ऐसा यूनिट क्या है, कार्य या ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या है, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है, ये पूछ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भौतिक राशि का ऐसा यूनिट। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग दिखाएंगे पार्ट टू लेके आएंगे मेजरमेंट का। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।